और उस समय गोलियां चली थी, कितने सारे युवा मरे थे, एफआईआर दर्ज हुई थी। और दीपेंद्र हुड्डा अगर इतने ही सुपर डुपर कॉन्फिडेंट होते तो राज्यसभा सीट से रिजाइन करके लोकसभा में कूद जाते, लेकिन उन्होंने अभी तक राज्यसभा सीट से रिजाइन नहीं दिया। और मैं 2019 में जो हुआ, मैं ये कहना चाहता हूँ, एक नया वो जो डिवीजन था, जाट वर्सेस नॉन जाट, तो जो भी से समाज है सबसे ज्यादा शोषण इनका होता है। इनको आप कुछ दे दो ये नहीं मानेंगे, इनको चौधर दे दो, चौधर का मतलब भाई थारे छोरे जो है नौकरी लगेंगे, और नौकरी लगने बाद थारी मन मर्जी की ट्रांसफर होगी। चुनाव सिर पर आ गया है, टिकट का अनाउंसमेंट बीजेपी की तरफ से हो गया है और एक दो दिन में कांग्रेस की तरफ से भी अनाउंसमेंट हो जाएगी। कुल मिला के हुड्डा परिवार को वो टिकट मिलने जा रही है। रोहतक का जो जातीय समीकरण है वो क्या है? देखिए कांग्रेस की टिकट अभी अनाउंस आज शाम को हो जाए, कल हो जाए, यानी कि किसी भी पल हो सकती है। इंतज़ार लगभग ख़त्म हो गया है। भारतीय जनता पार्टी ने ऑलरेडी रीनोमिनेट किया है अपने सिटिंग एमपी अरविंद कुमार शर्मा को। तो आपने जातीय समीकरण की बात की, कास्ट कंपोजिशन का आप ये देखिए कि 2019 में हरियाणा के रोहतक लोकसभा में एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ, जिसकी चर्चा ना हरियाणा में पूरे इंडिया में हुई। कारण उसका ये था कि रोहतक लोकसभा को जाट डोमिनेंट सीट माना जाता है। ये इंप्रेशन था कि यहाँ तो सिर्फ जाट कैंडिडेट ही जीत सकता है, और भूपेंद्र हुड्डा जो जाटों के नेता कहे जाते हैं, ना सिर्फ हरियाणा में, इवन इनके स्टेचर का नेता बाहर भी नहीं है जाट कम्युनिटी में। हालांकि कैप्टन अमरिंदर और बहुत बड़े नेता हैं, लेकिन जिस तरीके से इनकी दो बार चीफ मिनिस्टर रहे हैं, फिर दिल्ली में जो हाई कमांड है उनसे भी इनके नज़दीकी रिश्ते हैं, कैप्टन साहब तो अब बीजेपी में चले गए हैं, तो कहने का मतलब यह है कि इस रोहतक सीट का हारना अपने आप में एक बड़ा मैसेज था। तो भारतीय जनता पार्टी कास्ट कंपोजिशन के साथ कैसे खेलना है, बहुत बखूबी इस चीज़ की वो मास्टर है। तो आपने कास्ट कंपोजिशन की बात की, तो जैसा कि हम सब को पता है, दीपेंद्र हुड्डा 3 बार लोकसभा से एमपी चुने गए। 2004-05 में जब भूपेंद्र हुड्डा चीफ मिनिस्टर बने, उन्होंने अपनी सीट जो है रोहतक लोकसभा से खाली की, खुद उन्होंने गढ़ी सांपला किलोई से चुनाव लड़ा, और दीपेंद्र हुड्डा जो उस समय अमेरिका में पढ़ रहे थे उनको बुलाया। दीपेंद्र हुड्डा वाज ग्रीन हॉर्न, नोवाइस, बिल्कुल नया लड़का, फ्रेश, राजनीति का ABC भी नहीं जानते थे, चूंकि भूपेंद्र हुड्डा के सुपुत्र थे तो हाथों हाथ उनको लिया। 2009 में रिपीट किया, 2014 में जब पूरे देश में मोदी का एक वेव थी, उस समय भी उन्होंने चुनाव जीता। अपने आप में एक बड़ी मिसाल है। कारण क्या था? उनके पीछे जो स्ट्रॉन्ग बैकिंग थी वो एक, वैसे तो पूरा सभी जातियां वोट देती हैं तभी बनते हैं, लेकिन अंग्रेजी में कहते हैं एन ब्लॉक, इकट्ठी एक मुश्त जो उनको वोट मिलती थी वो जाट कम्युनिटी की मिलती थी। तो कास्ट कंपोजिशन की अगर मैं बात करूं, रोहतक लोकसभा में 9 विधानसभाएं आती हैं, जिसमें रोहतक शहर, जिसको हम रोहतक शहर के नाम से जानते हैं, यानी कि 4 रोहतक की, 4 झज्जर की और 1 कोसली रेवाड़ी जिले में। और पिछली बार कोसली की जो विधानसभा है उसने क्या कमाल किया था, खेला वहीं से हुआ था। हाँ, खेला, वो भी हम बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले अगर जाटों की बात करूं तो करीब 37.6% रोहतक लोकसभा में जाट हैं। सर, पहले मेरी दिलचस्पी जानने में ये है कि कुल वोटर कितने हैं? कुल वोटर करीब आप ये मानिए 18.5 लाख के करीब रोहतक लोकसभा में वोटर्स हैं। 18.5 लाख के करीब जो एलिजिबल वोटर्स हैं वो रोहतक लोकसभा में। तो उसमें से आप कितने वोटर जो हैं वो जाट कम्युनिटी के बता रहे हैं? मैंने कहा 37.6% जो हैं वो एक बड़ा नंबर जो है, अगर मैं फिगर में बोल बताऊँ 69,5594, क्योंकि आंकड़े याद नहीं रहते इसलिए मुझे
हम मोबाइल का सहारा लेना याद है कि जब हम एग्जाम दिया करते थे 33% वाला जो है जो लिया था वो पास हुआ करता था। यहाँ पर आप वो परसेंटेज सोचिए 37% यानी कि पासिंग मार्क। अगर ये समुदाय भी अगर एक मुश्त किसी कैंडिडेट के साथ खड़ा हो जाता है तो जी जी वो पासिंग मार्क्स ही है। तो सबसे बड़ा जो चंक है रोहतक लोकसभा में वो जाट कम्युनिटी का है, जिसमें मैंने बताया 37.6% यानी कि जो पासिंग मार्क्स है उससे भी अधिक। उसके बाद अहिरवाल, अहिरवाल के जो कोसली विधानसभा है, झज्जर में भी कुछ पार्ट है, वो वाला सेकंड बड़ा है 9.8%। अगर मैं फिगर में बोल देता हूँ 181856 ये अहिर जाति का है यादव। यहाँ पे एक दिलचस्प बात हो रहा है सर, जिस कोसली विधानसभा की आपने बात की, पूरी रोहतक लोकसभा में कोसली विधानसभा में ही सबसे ज्यादा वोटर है, ये भी एक आंकड़ा है, जहाँ पे दीपेंद्र हुड्डा काफी बड़ी लीड से पीछे हटे थे उस कोसली विधानसभा में ही सबसे ज्यादा वोटर 74,000 के करीब उनको लीड मिली थी अरविंद शर्मा को वहां से। तो जहां जहां से दीपेंद्र हुड्डा आ रहे थे वो एक रोहतक शहर, बहादुरगढ़ और झज्जर नहीं कलानौर और कोसली, चार ऐसी जगह थी जहां दीपेंद्र हुड्डा आ रहे थे और अरविंद शर्मा जीते थे, बाकी 5 जगह लीड थी दीपेंद्र सिंह हुड्डा की। लेकिन कोसली विधानसभा जहां अहिर डोमिनेटेड है वहां से इतनी बड़ी लीड मिल गई कि वो पूरी नहीं हो सकी और 7,000 समथिंग से दीपेंद्र हुड्डा 2019 का चुनाव हार। क्या कारण था ऐसा भाई? अहिर जाति का ना तो कैंडिडेट अरविंद शर्मा है ना ही दीपेंद्र हुड्डा थे, लेकिन वो एक मुश्त अरविंद शर्मा को ही क्यों गया? आपने जो है एक बड़ी जो है बड़ी दुख तिरंग को हाथ लगा दिया। हम जो लोग देख रहे हैं इनको भी, और हम तो रिपोर्टर लोग हैं, हम तो हर जगह जाते हैं, चीज़ों को महसूस करते हैं। और देखिए जो रिपोर्टर होता है वो प्रभावित होता है, अगर कोई एक्सीडेंट की न्यूज़ है वो सब कुछ देखना पड़ता है जो आम आदमी नहीं देखता है। तो उसी तरह से 2016 के अंदर फरवरी के महीने के अंदर जो एक हिंसा हुई, उस समय आरक्षण का टाइम चल रहा था, जाट आरक्षण के नाम से जिनको जानते हैं, और उस समय गोलियां चली थी, कितने सारे युवा मरे थे, FIR दर्ज हुई थी, और रोहतक के अंदर खास करके पूरा लॉ एंड ऑर्डर क्राइसिस था। तो उस समय चूंकि जाट एक डोमिनेंट कम्युनिटी है और वो रिजर्वेशन के लिए मांग कर रहे थे, बाकी कम्युनिटीज़ को आह्वान किया गया, कुछ ये मानिए कि शायद वेमनस से भाव पैदा करने वाले लोगों ने, और फिर आपस में टकराव हुआ और उसके कारण क्या हुआ वो हम सब जानते हैं। तो वो चीज़ लोगों के दिमाग में थी, और 2019 में जो हुआ, मैं ये कह रहा था, तो एक नया वो जो डिवीज़न था जाट वर्सेस नॉन जाट, तो नॉन जाट वर्ड हालांकि ये बहुत पुराना है, बजनाल के समय और जिस समय आप ये मानिए हरियाणा बना तब से ये चीज़ें डिस्कस होती थी, लेकिन 2016 में ये खाई और ज़्यादा शार्प हो गई। तो मुझे लगता है 2019 में जो हुआ वो जाट वर्सेस नॉन जाट या 35-1 का नारा देने वाले शरारती भी, वो नारा क्या अब प्रभावी है 2024 में? देखिए मैं मानता हूँ कि कुछ लोग फैंस सीटर होते हैं। देखिए 2024 के चुनाव में भी आप जैसे गांव में दीपेंद्र हुड्डा या कांग्रेस का ज़्यादा प्रभाव है, शहरी जो सीट है वहाँ BJP का, मोदी साहब का, वहाँ कैंडिडेट ज़्यादा मैटर नहीं करता, तो वहाँ उनका प्रभाव है। लेकिन जब वोट डालने जाते हैं मुझे लगता है कि जिसको जो नैरेटिव सूट करता है वो उसको स्ट्रिक तो करता ही, ट्रिगर तो करता ही है, तो हो सकता है इमोशंस ट्रिगर अब भी करता है, मैं ये मानता हूँ कि अब भी ये करता है। तो कुल मिलाकर आपका कहना ये है कि दीपेंद्र हुड्डा के लिए ये 2024 का जो चुनाव है ये अभी भी एक बड़ी चुनौती ही है। जी बड़ी चुनौती है, और इसके आप इंडिकेशन भी देख सकते हैं। दीपेंद्र हुड्डा भी राज्यसभा MP हैं, और दीपेंद्र हुड्डा अगर इतने ही सुपर डुपर कॉन्फिडेंट होते तो राज्यसभा सीट से रिजाइन करके लोकसभा में कूद जाते, लेकिन उन्होंने अभी तक राज्यसभा सीट से रिजाइन नहीं दिया, और मैं नहीं मानता कि वो चुनाव लड़ेंगे लोकसभा का और राज्यसभा सीट से रिजाइन नहीं देंगे। कहीं ना कहीं 1% हो, 0.5% हो, उनके दिमाग में है कि अगर 2019 वाली बन गई तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा पॉलिटिकल अपने लीनेज को आगे चलाना, अपने सिस्टम को आगे चलाना, तो दिक्कत तो है। अब आपने साफ तौर पर कहा है कि आपको नहीं लगता है कि दीपेंद्र हुड्डा कैंडिडेट के तौर पर आ रहे हैं। नहीं, मैंने ये कहा है कि
राज्यसभा सीट से रिजाइन, अभी राज्यसभा एमपी है ना, अभी तो है, हाँ अभी है, हाँ। और वो लोकसभा में कूदेंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर वो इतने सुपर डुपर कॉन्फिडेंट है कि मेरी जीत निश्चित है, तो वो राज्यसभा से रिजाइन करके और कहते हैं मैं तो लोकसभा ही लड़ूंगा, और उनकी टिकट काटने वाला तो कोई भी नहीं है, कहीं विरोध भी कह रहे हैं, मतलब आपका ये भी दीपेंद्र हुड्डा कॉन्फिडेंस नहीं है, चुनाव है ना सर, चुनाव कौन नहीं आ रहा है, देवीलाल आ रहा है पिछली बार, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा आ रहे हैं, दीपेंद्र सिंह हुड्डा आ रहे हैं, ऐसा कौन सा नेता है जो चुनाव, इंदिरा गांधी 1977 के अंदर एक समय ऐसा था जब इंदिरा गांधी ये कहती थी इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, इतने जैसे आज मोदी साहब के बारे में कहा जाता है कि मोदी जो है वो भारत में अगर एक लाल है तो मोदी है, तो वैसे इंदिरा कभी इतने और कॉन्फिडेंस में थी, और 1977 में बुरी तरह वो हार गई, वाजपेयी जी भी आ रहे हैं, मैं कह रहा हूँ हार जीत तो चली रहती है, तो एक सेफर साइड मेरा कहने का मतलब ये, तारक भी उसका ठीक दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जब बीजेपी वाले राज्यसभा सांसद उतरे हुए हैं उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया तो मैं क्यों, तो ठीक है, रणजीत चौटाला है हिसार से टिकट उनको मिली हुई है, वो अभी भी मंत्री हैं, हाँ जी, वो शायद 23 तारीख को उनसे फिर एक्सेप्ट हो जाएगा उनका वो, लेकिन कहने का मतलब है कि अपना सेफ साइड जो जो पहलू अपने पक्ष में है वो तो रखने चाहिए अपने हाथ में, उसमें कोई बुराई भी नहीं है। चलिए वापस अपने विषय पर आते हैं जी, जो मैंने अहिर बता दिया, उसके बाद रविदास या समाज जो है 9.1 जो परसेंट है वो अपना रविदास या समाज है, फिगर में बताऊं तो 167346 ब्राह्मण समाज, जिससे हमारे डॉक्टर अरविंद कुमार शर्मा 2024 में दोबारा से बीजेपी ने जिन पर दाव खेला है 7.7% उनका वोट परसेंटेज है रोहतक लोकसभा में। आप ये देखिए कि दीपेंद्र हुड्डा जाट कम्युनिटी से आते हैं, उनका वोटिंग परसेंट जो है वो 37% है जी, और जिस कम्युनिटी से वो आते हैं और जिस कम्युनिटी से अरविंद शर्मा आते हैं उस कम्युनिटी का वोटिंग परसेंट जी उन उस वोटिंग परसेंटेज 7.7%। तो सत्संग जी ने जैसा पहले कहा था कि एक नारा जो था वो प्रभावी हुआ और उस नारे से ये वोटिंग परसेंट है वो 7% से कितना ज्यादा बढ़ गया। इसके पीछे कारण भी है, एक्चुअली क्या है कि जाट कम्युनिटी जो है वो बड़ा नंबर है लेकिन उतने बड़े चौधरी हैं यहाँ पे, डिवीजन कितना है, सभी को चौधरी चाहिए। आप ही देखिए 2004-05 में जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार बनाई, मुख्यमंत्री बने रोहतक सोनीपत जज्जर की, वो एक सीट लेकर के आए तो उन्होंने ऐसा क्या फॉर्मूला अपनाया था, वो था रोहतक की चौधर, उनको पता था इनको आप कुछ दे दो ये नहीं मानेंगे, इनको चौधर दे दो, चौधर का मतलब भाई थारे छोरे जो है नौकरी लगेंगे और नौकरी लगने के बाद थारी मन मर्जी की ट्रांसफर होगी, ट्रांसफर करने के बाद आपको पता है कि बहुत सारे ऐसे भाई भी हैं जी ट्रांसफर भी होगी लेकिन नौकरी तो ना करूँ मैं, मतलब उनको थाने तहसील के अंदर उनको फोन बजने चाहिए, काम जाति हो जाना चाहिए, जो भी अफसर कुर्सी पे बैठा है उनके जाने पर चाय कॉफी उनको पूछे, इज्जत हो, राम राम करे, तो वो चौधर मतलब ये होते हैं। और यहाँ के लोगों ने जो 10 साल स्वाद चखा है, अब दोबारा से भी दीपेंद्र हुड्डा एक नारा, भूपेंद्र हुड्डा एक दोबारा से एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, चंडीगढ़ की लड़ाई है, हाँ दिल्ली वाया दिल्ली हम चंडीगढ़ आएंगे, तो ये रोहतक की चौधर बड़ा बड़ा इमोटिव इशू, उनको पता है कि इसको हाथ लगाएंगे तो कहीं ना कहीं हमारा जो एक मुश्त वोटर है कम से कम 37.6% तो हम उसको पक्का करें। लेकिन ये जो चौधर वाला जो नारा है ना ये भी प्रभावी है, इसके एक बात आप ये भी समझिए कि दीपेंद्र हुड्डा ने जितने भी चुनाव जीते वो तब जीते जब उनके पिता भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे, और ये पहला चुनाव था 2019 में जब उनके पिता मुख्यमंत्री नहीं थे, उनके बिना वो चुनाव लड़ रहे थे और उसी चुनाव में उन्हें जो है झटका लगा। देखिए दीपेंद्र हुड्डा के बारे में वो तो है ही, आपकी बात बिल्कुल सही बात है कि जब जब उनके लिए विषय पर आते हैं और जी, तो हम ब्राह्मण हमारा हो गया 7.7 पर, पंजाबी 7.0% जी, जो पंजाबी है जो बार बार दीपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र हुड्डा, आशा हुड्डा तीनों बार बार जो है शहर में वो सबसे ज़्यादा समय लगा रहे हैं, तो पंजाबी कम्युनिटी का कहीं ना कहीं वो जो आपने 2016 वाली बात की वो यहाँ भी उनको कहीं ना कहीं लगता है कि ये समाज। पिछले चुनाव में एक खास बात बड़ी देखने को मिली थी, पिछले चुनाव में देखा 2019 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा रोहतक शहर में जो चुनाव प्रचार मैंने देखा, एक कांग्रेस कार्यालय में जरूर देखा था, उसके बाद दीपेंद्र हुड्डा जरूर प्रचार कर रहे थे, आशा हुड्डा जी थी वो भी जरूर लगी हुई थी, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा सिर्फ कांग्रेस कार्यालय में चुनाव करते हुए नजर आए थे पिछले चुनाव में, तो किस तरह से 2016 का सबसे चुनाव पर था। भूपेंद्र हुड्डा यहीं पले हैं, यहीं पढ़े हैं, यहीं बड़े हुए हैं, यहीं वकालत की, यहीं सारा काम किया, उनके दोस्त भी सारे शहरी हैं,
तो भूपेंद्र हुड्डा के प्रति जो सॉफ्ट कॉर्नर है शहर के लोगों का, देखो वो अलग परिवार की तरफ अलग है, वो 2016 में जो है ना खटास आ गई थी इसमें। और आशा हुड्डा तो अपने आप ही कनेक्ट कर लेती हैं, क्योंकि मैंने देखा पंजाबी गांधी कैंप में जाते हैं तो वहाँ पंजाबी बोलकर लोगों को कनेक्ट करते हैं जी। और पंजाबी नहीं, जंगी पंजाबी तो वो बोल ही लेती हैं, जंगी भी बोल लेती हैं, अंग्रेजी बोल लेती हैं, हिंदी बोल लेती हैं, और वक्ता बड़ी अच्छी हैं, उनकी तो क्वालिटी अलग ही है आशा हुड्डा मैडम की जी। तो उसके बाद वाल्मीकि समाज 4.2%, खाती समाज 3.0%। सत्संग जी मैं रोकना चाहूंगा बीच में आपको, आपने इसमें बात की वाल्मीकि समाज की, आपने इसमें बात की रविदास समाज की, ये किस और इसका झुकाव इस समाज का आप देख रहे हैं? देखिए बड़ा मुश्किल है ये कहना, लेकिन आप ये देखिए इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि 10 साल जिसकी सरकार रही हो और 10 साल के अंदर जो एंटी इनकम्बेंसी हो उसमें सबसे ज़्यादा जो पिस्ता है जो सबसे नीचे वाले ब्रैकेट में होता है, और जो हमारा वंचित समाज है, जो शेड्यूल का समाज है, जो ओबीसी समाज है, सबसे ज़्यादा शोषण इनका होता है, क्योंकि इनको काम होता है सरकारी ऑफिस में, इनके छोटे छोटे काम भी बहुत लंबा समय लगता है, करप्शन को सबसे ज़्यादा ये फेस करते हैं, क्योंकि जो एक लेवल पा जाते हैं या डोमिनेंट कास्ट से होते हैं, जिनके सिफारिशें होती हैं, वो पैसा दे के भी काम कर लेते हैं, फ़ोन करवाई करवा लेते हैं, लेकिन जो कमज़ोर समाज है वो इस समाज में सबसे ज़्यादा एक्सप्लोटेशन इन लोगों ने सहा होता है, सरकारें कोई भी आए या गए इनका शोषण होता ही होता है। तो मुझे लगता है कि सभी सरकार से चके बैठे हैं। ये देखिए ना रोहतक लोकसभा की मैं आपको बताऊं, अहीर 9.8% है, उसके बाद आप ये देखिए मेन तो सैनी 1.8% है, और काफी बढ़ गया ना, कुम्हार आगे इसमें, कुम्हार आगे, लोहार जाति से आगे, खाती आगे 3.1% है, सुनार कुम्हार 2.8%, सुनार भी आ गए जी जी जी, तो ये सुनार 0.6%, रोहिला समाज से भी, रोहिला समाज से, तो ये सारा का सारा आप ये देखिए करीब, मतलब अच्छा वोटिंग परसेंट होगा, विश्वकर्मा समाज कह सकते, हाँ एक साइजेबल बन गया, लेकिन जो डोमिनेंट कम्युनिटी है उसके तो आसपास भी नहीं है, फिर भी उसके बावजूद भी, लेकिन वहाँ डिवीजन, वहाँ चौधरी बहुत ज्यादा है, वो पासिंग मार्क्स जो है वो एक कम्युनिटी प्रभावी है, वो खंडवे वाले वहाँ ज्यादा है। तो नहीं, इसमें एक इशू और भी है, मैं थोड़ा सा समझाना चाहूंगा क्योंकि हम डिटेल में बातचीत कर रहे हैं। देखिए ऊपर से देखने से लगता है कि जो 37.6% जाट कम्युनिटी है तो सभी कांग्रेस को सपोर्ट करें, ऐसा नहीं है। एक्चुअली क्या है कि गाँव वाइज धड़े बने हुए हैं, क्योंकि वो सरपंच का चुनाव भी लड़ते हैं, धड़े बनते हैं, अगर एक धड़े ने दीपेंद्र हुड्डा की जयकारा लगा दिया तो दूसरे धड़े की मजबूरी है कि वो अपोज नहीं जा सकते, तो वो अरविंद शर्मा के नारे लगाना उनकी मजबूरी हो गया। जो बारीकी से समझ रखते हैं राजनीति की, उनको पता है कि ठीक है, एक आपके पास एक अच्छा साइजेबल अमाउंट तो आपके पास जाट कम्युनिटी का आपको वोट देगा, लेकिन इतना बड़ा पूरा चंक कभी नहीं देता, क्योंकि जो धड़े बने हुए हैं वो दूसरी तरफ जाएंगे तो उसका फायदा ऑटोमेटिकली, चाहे अरविंद शर्मा वहाँ वोट मांगने ही ना जाए, लेकिन दूसरे धड़े की मजबूरी है कि वो जो दूसरा मजबूत कैंडिडेट है उसका पोस्टर लगाएंगे सिर्फ इसी में कि हमें भी कोई ना कोई चाहिए, और वो उसको वोट करेंगे। चलिए आगे देखते हैं आज, तो मोटी मोटी तो यही जो है ना कम्युनिटी, मैं एक बार थोड़ा सा बोलता हूँ, तो वाल्मीकि 4.2%, धानक 4.1%, खाती 3%, महाजन 2.9%, कुम्हार 2.8%, सैनी 1.8%, राजपूत 1.8%, नाई 1.5%, लुहार 1.1%, गुज्जर 0.7%, जोगी 0.7%, दर्जी धोबी 0.6%, इस तरीके से पॉइंट पॉइंट के अंदर आ गए हैं, तो बाकी समाज जो है, तो इस तरीके से रोहतक लोकसभा का आंकड़ा है। तो आज हमने बात की रोहतक लोकसभा के ओवरऑल जो जातीय समीकरण है उसके बारे में। अगली जो वीडियोस होंगी वो हम विधानसभा वाइज भी आपको बताएंगे कि जातीय समीकरण क्या है, किस जाति कितने वोटर हैं, और पिछले चुनावों में किस प्रत्याशी को कितने वोट वहां से मिले हैं। आगे भी इस तरह की दिलचस्प जानकारियाँ और डेली की जो राजनीतिक हलचल होती रहेगी उसके बारे में हम आपको देते रहेंगे। सत्संग जी आप यहाँ पर आए और काफ़ी दिलचस्प जानकारियाँ हमें आपने जातीय समीकरण के बारे में दी। अगली वीडियो में फिर हम दर्शकों से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।